20 साल पहले मैं दिल्ली में रहता था, पीटीआई पे खबर चली लटकन ने कि 25,000 गाय काट के विश्व रिकॉर्ड बनाना है हैदराबाद। हम लोग पहुंचे, गाय काटता कौन है? मुस्लिम। उसको देता कौन है? हिंदू। कभी चर्चा किया आपने? कभी चिंतन किया कि वो क्यों दे रहा, क्यों मजबूर है? वो मजबूरी क्या है? मजबूरी दूर कर दो तो काटने वाले हाथ पारने लग जाएंगे। बात तो सीधी सीधी है, हम बातें बात करते हैं। 70 लाख साधु है भारत में, 6.5 लाख गांव है, 1 क्राइम फ्री विलेज में, अपराध मुक्त 1 गांव नहीं। साधुओं की संपत्ति को बचाना है, पहला काम यह करना है। किसी साधु पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हाथ डालता है, सब साधु मिलके काम करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ और महाराज जी के संरक्षण में मिलके चलो, महाराज जी समाज को बुला वक्तव्य के लिए। उसके बाद कीमती भगत और महामंडलेश्वर बालेश्वर दास जी, आपका भी उद्बोधन मिलेगा। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर हर। आप सब लोग कान थोड़े बड़े कर लीजिए। मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, इन त्रिवेणी का पावन तट है और गो संसद होने जा रही है। गो संसद का मतलब है कि मैं सांसद बनकर अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। राइट? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 20 साल पहले मैं दिल्ली में रहता था, पीटीआई पे खबर चली लटकन ने कि 25,000 गाय काट के विश्व रिकॉर्ड बनाना है हैदराबाद। हम लोग पहुंचे वहां, गोशा महल से हमने प्रोटेस्ट किया, वहां के मुख्यमंत्री से मिले कि बेटा ये क्या हो रहा देश, हम तो गौ को माता मानते और यह काटी जा रही, विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा। तब उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा मिशन लेके आए हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। बताइए गाय पालता कौन है? हिंदू। गाय काटता कौन है? मुस्लिम। उसको देता कौन है? हिंदू। कभी चर्चा किया आपने? कभी चिंतन किया कि वो क्यों दे रहा, क्यों मजबूर है? मजबूरी क्या है? मजबूरी दूर कर दो तो काटने वाले हाथ पारने लग जाएंगे। बात तो सीधी सीधी है, हम बातें बात करते हैं। 70 लाख साधु है भारत में, 6.5 लाख गांव है, 1 क्राइम फ्री विलेज में, अपराध मुक्त 1 गांव नहीं। बट इस साधु साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। यह आपका धर्म है, मैं आपका धर्म याद दिलाने आया हूं संसद में। जैसे नमक का धर्म है खारापन, शक्कर का धर्म है मिठास, नीम का धर्म है कड़वापन, ऐसे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, ध्यान से सुनो कान खोल करके, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इतना जागृत कब होगी? ध्यान से सुनिए मीडिया के भाइयों, मदारी का खेल मत बनाओ भारत को। ये जितने मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, 3 चीजें कर दो आप, मेरा दावा है कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। वो पहली बात क्या है? एक चाय कितने रुपए में मिलती है? 10 रुपए में। अरे मत दो 10 रुपए, बहुत ज्यादा होते हैं। 5 रुपए रोज गाय के नाम पे निकालिए और महाराज जी एक बैंक बनाए, सन्यासी बैंक, उसमें पैसा डालिए। आप शुरू करिए आप आज से, महाराज जी सन्यासी बैंक की घोषणा करिए आप इस मंच से, शंकराचार्य जी सन्यासी बैंक बनेगा भारत में, भारत का हर नागरिक 5 रुपए रोज उसमें डालेगा। एक चाय भी नहीं मिलती है, मैं आधा पैसा मांग रहा हूं। आप देखिए भारत इस दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा गाय के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं? मेरा नाम हर्षानंद है, यूट्यूब पे चेक कर लेना, ये सच्ची घटनाएं बताता हूं, हवाई हवाई बातें नहीं करता हूं, जिंदगी में मैंने जिया अपने आप को, इसलिए पहली घटना बता रहा हूं। मीडिया के भाइयों नोट करना, राजस्थान का एक कोटा शहर है जहां से ओम बिरला आता, लोकसभा का स्पीकर है, उस शहर में मैंने काम किया बच्चों में, बंदियों में। एक ट्रक घी का पकड़ाया वहां से, उसमें 113 किलो अफीम थी। मैंने DIG से बोला, उसका नाम था उत्कल रंजन साहू, वहां पे DIG लगा हुआ था। मैंने कहा DIG साहब मैं इंफॉर्मर बोल रहा हूं, बोलिए क्या कहते हैं आप। मैंने कहा घी कहां से जा रहा है? मक्सी से उज्जैन के पास, जहां पीने का पानी 4 दिन में मिलता है, जलंधर में जा रहा है। चेक करिए इस घी के अंदर डब्बों में क्या है, आप यकीन नहीं करेंगे। कोटा की लेबोरेटरी में 100% घी, जयपुर की लेबोरेटरी में 100% घी और गाजियाबाद की लेबोरेटरी में 100% मिलावटी घी, यानी सेंट था।
वो चढ़नी थी गाय की, और उसके बाद क्या हुआ, उस डीआईजी ने उस पूरे ट्रक को लावारिस जब्त कर लिया। ये घटना है, ये मैं क्यों सुनाना चाहता हूं, इस पे आगे आऊंगा। दूसरी घटना, मैंने एक आईपीएस को फोन किया, मुझे सूचना मिली 5 करोड़ रुपए डुप्लीकेट करेंसी जा रही कंसाइनमेंट करके। मैंने पकड़वाया, 2 महीने के अंदर एक्विटल हो गया केस। आपको पता है नोट कहां छपते हैं? पता है कहां छपते हैं? देवास में और नासिक में, दोनों एजेंसियों ने कहा ये ओरिजिनल नोट है, एक ही नंबर के करोड़ों नोट। कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट के पास पहुंचा कि आपने एक्विटल कर दिया। बोले हम क्या कर सकते, हम थोड़ी एजेंसी है, उसको प्रमाणित कौन कर रहा असली है नकली है, वो एजेंसियां कर रही है। अब मैं जो कहना चाहता हूं ध्यान से सुनो, गाय को बचाना है, गाय को बचाना है या भाषण ही करना है? बात कर रहा हूं मैं, गाय को बचाना है या भाषण ही करना है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, गोमूत्र का पेटेंट हो चुका है, संजीवनी रस बन चुका है, गोबर से ईंट धूप बत्ती लकड़ी सब बन रही है, इसके बाद क्या, इसी गोबर से गोमूत्र से सोना चांदी निकलेगा, उस समय आ जाएगा। इतना सब होने के बाद इस देश में गोकशी हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो मजाक बना रहे हैं। तो आइए मैं आपको सीधा सा रास्ता बताता हूं कि गोकशी कैसे बंद हो सके। बहुत आसान काम है, आपको लगता है कि खाली राष्ट्रमाता घोषित करने से ये घटना बंद हो जाएगी, तो ये भ्रम आपके दिमाग से निकाल दीजिए। गुजरात के अंदर नशा मुक्ति का है अभियान के नहीं है? गुजरात में कौन सा नशा कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, मेरे साथ मैं आपको लेके चलता हूं। ये गुजरात के एक महात्मा बैठे राजेंद्र गिरी, जरा खड़े हो, ये महामंडलेश्वर, इनके आश्रम पे 150 साल पुराने आश्रम पे कब्जा कर लिया लोगों ने। मेरी चिंता ये है कि धर्म को बचाना है तो संतों की वाणी को ध्यान से सुनिए। आप सब संतों से निवेदन करता हूं, मेरा आश्रम भी ढाया गया, मेरी खाते की जमीन थी, मैंने एनए नहीं कराया था। एनए का मतलब होता है नॉन फॉर एग्रीकल्चर। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, 4 लेयर पे लड़ना पड़ेगी। साधुओं की संपत्ति को बचाना है, पहला काम ये करना है। किसी साधु पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हाथ डालता है, सब साधु मिलके काम करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ और महाराज जी के संरक्षण में मिलके चलो, महाराज जी समाज को बुलंद करेंगे। ये इनकी ड्यूटी है, ये हमारे सनातन संस्कृति के ध्वज संवाहक है। सनातन संस्कृति का सड़क सबसे बड़ा ध्वज किसके पास है? शंकराचार्य जी के पास। और ये कौन विराजे हैं? शंकराचार्य जी। इसलिए इनके चरणों में हम संसद में अपनी बात कहने आए हैं। पहली बात, साधु की संपत्ति बचेगी, बचाओगे कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पता है राम कौन है? अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन के मन के संशय को मिटाने के लिए, तो वो समय आ गया है। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूं, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे खिलाफ कांग्रेस ने 150 मुकदमे किए थे, 150 FIR, फिर भी आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, और चूंकि समय का अनुशासन है सबको बोलना है, लेकिन 3 सूत्र बात अपनी बात पूरी करूंगा मैं। पहला, 5 रुपए आपने वादा किया सन्यासी आश्रम में रोड डालोगे। दूसरा, उससे बड़ा वादा आपके से लेना चाहता हूं मैं, आप अपने हाथ पे गुड़ का लेप लगा करके गाय माता को चटाओ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, कैंसर डायबिटीज फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन स्ट्रेस 45 दिन में खत्म, चेक करके देखना। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर तीसरा काम करना, गोचर भूमि को सुरक्षित करना है। और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, भारत सरकार को एक पत्र लिखिए कि जितनी गोचर भूमि है हमें 3 महीने के अंदर खाली चाहिए, और सब गोचर भूमि पर गौशालाएं बने। और महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना, क्षमा सहित पहले माफी मांग लूं कि स्वामी जी आप हमारे प्रतीक हैं, एक हाईटेक गौशाला बनाइए और डे 1 से उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइए। मैंने मुंबई में देखा तबेलों में गाय कैसे दूध, गाय का दूध कैसे आता है, क्या खाती है, कैसे दही बनता, मक्खन बनता, घी बनता, बहुत पैसा देते हैं लोग। तो महाराज जी खुद अपने आप से शुरू करें, महाराज जी एक डिजिटल गौशाला बनाए, डे 1 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिखाएं। और जैसे जैसे दिन बदलते जाएंगे, समय बदलता जाएगा, समय का अनुशासन है। जाते जाते मैं शंखनाद करना चाहता हूँ कि ये प्रयाग की भूमि है, और इस शंखनाद जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, और गाय माता के संवर्धन संरक्षण के लिए कदम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ
आपके मंगल की कामना करता हूं। गो माता, गो से गो माता, गो माता। अभी अभी हमारे बीच में दक्षिण के श्रृंगेरी